24 जून को एयरपोर्ट पर दीपा पाटिल का नाम दिलाने के लिए एक बार फिर प्रकल्पग्रस्त सड़कों पर उतरने वाले हैं। आज उसको लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और उस जो सर्वपक्षीय कृति समिति है उसके कोर कमेटी के मेंबर इस वक्त हमारे साथ हैं, डॉक्टर राजेश पाटिल साहब। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार का आंदोलन कैसा होगा, उसकी रूपरेखा कैसे हो, क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, आंदोलन बहुत अच्छी तरह से होने वाला है। ये छः महीने से हम लोगों का मीटिंग्स चालू है। तालुका स्तर पर हमारे बैठक हुई, गांव-गांव लेवल पे दो तीन गांव मिल के बैठक किया, ठीक ये हो रहा है और इसमें लोगों का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिल रहा है और ये लोगों की भावना भी तीव्र है। उनको लगता है कि ये क्यों सरकार अपने खिलवाड़ कर रहे हैं। नाम तो दीपा पाटिल साहब का देना चाहिए क्योंकि उन्होंने यहाँ पे सब काम किया है। इधर के या फार्मर्स को किसने न्याय दिलाया है? हमारे आराध्य देवता है। यहाँ पे इतने यहाँ के फार्मर्स लोगों ने यहाँ पे सेक्रीफाइस करके ज़मीन नहीं देती थी तो यहाँ के शहर रहता था क्या? ये शहर किसके ज़मीन के ऊपर है? ये ज़मीन के ऊपर शहर है और ये शहर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो रहा है तो नेचुरली हमारा डिमांड है आपके गाँव में किधर कुछ बन रहा है तो वहाँ पर क्या दीपा पाटिल साहब का नाम देने वाले हैं? उधर आप लोगों ने आपके सब माँ बाप के और इनके पुरखों के नाम आप लोगों ने दिए, तब हम लोग वहाँ पे आए नहीं। इसीलिए गलत तरीके से इनका रवैया है। आंदोलन होगा, अच्छी तरह से होगा, किसी को ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। लोग बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे आने वाले हैं। पुलिस लोग बहुत हम लोगों को तकलीफ़ देने वाले हैं, लेटर तो आ रहे हैं, हम लोगों को लव लेटर मिल रहे हैं, ऐसा ये करो वैसा करो, लेकिन हम लोग किसी भी तरह से पीछे हटने वाले नहीं हैं। आंदोलन होगा, घेराव होगा। अभी आप लोग पूछ रहे हैं घेराव होगा नहीं, अरे घेराव होगा नहीं, हम लोग तो आएंगे ना, मर मिटने के लिए ही तो जा रहे हैं। हिम्मत है तो उनकी हम लोगों को वहाँ पे मारने की हिम्मत करें, देखते हैं यहाँ का बहुजन समाज क्या करता है। इसीलिए आंदोलन होगा 24 जून को, ये बहुत अच्छी तरह से आंदोलन होगा और ये आंदोलन आखिरी आंदोलन नहीं है। नहीं तो अभी कुछ डिसीजन लेंगे, इसके बाद भी आंदोलन करेंगे, लेकिन आंदोलन होगा, आंदोलन होते रहेगा और जब तक दीपा पाटिल साहब का नाम इंटरनेशनल एयरपोर्ट को नहीं देते हैं तब तक यहाँ के लोगों का ये आंदोलन चालू रहेगा। तमाम नोटिस आ रही है और वो भी पिछले साल के आंदोलन के, मतलब एक साल बाद नोटिस आ रही है। आपको लगता है कहीं ना कहीं सरकार इस तरह से दमन करने की कोशिश कर रही है, इस आंदोलन को डिरेल करने की और रोकने की और डराने की कोशिश कर रही है? ये गलत नीतियाँ वही लोग कर सकते हैं जो लोग यहाँ पे कुछ काम नहीं कर सकते। डिस्कशन करो, क्यों अपने पिताजी का नाम के पीछे आप पड़े? शिवसेना प्रमुख हमारे भी हैं, आपके नहीं हैं, पूरे हिंदुस्तान के हैं। उन्होंने उनका जो काम किया है वो पूरा कंट्री लेवल पे कोई काम नहीं कर सकता है, लेकिन ये लोकल लेवल पे जो काम किया है वो दीपा पाटिल साहब है, उनका नाम यहाँ पे देना चाहिए। और ये उनको मालूम है चिपी विमानतल जो कोकण में हो रहा है वहाँ के उधर के जो लोक प्रतिनिधि हैं सब लोगों ने इकट्ठा हो करके माननीय लोग शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे साहब का नाम दे दीजिए ऐसा बोला है। उन्होंने आके मीडिया में अनाउंसमेंट की लेकिन अब तक नाम नहीं दे रहे। क्यों नाम नहीं दे रहे? दे दीजिए नाम, यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय विमानतल है, हमारा नाम उधर होना चाहिए। हमारा अस्तित्व का प्रश्न है, हमारे दीपा पाटिल साहब है जिन्होंने यहाँ पे सब कुछ निछावर करके इन लोगों को इधर न्याय दिलाया है तो नेचुरली यहाँ पे हमारे हक है। इसीलिए ये जानबूझ के ये सब कर रहे हैं लेकिन हम लोग पीछे हटने वाले नहीं। बस पिछला जब आंदोलन हुआ था तो सरकार ने जो प्रस्ताव बनाया था उस प्रस्ताव को रद्द करने की मांग की गई थी कि भाई जो बाला साहब ठाकरे का नाम का जो प्रस्ताव है उसे रद्द किया जाए और दीपा पाटिल साहब का नाम प्रस्तावित किया जाए। आज तक उस फैसले उस पर उस प्रस्ताव पर कोई निर्णय नहीं हुआ है, क्या वजह मानते हैं कि आप इस पर सरकार फैसला करने के लिए तैयार नहीं? ये जानबूझ के ये सरकार ये सब कर रहे हैं। कैसा है ये, जब लोगों में काम करने वाला नेता होता है ना ये गलतियां नहीं करता है। ये लोगों में काम करने वाले है नहीं, लोगों में काम करने वाले रहते थे तो यहाँ के लोगों का क्या प्रॉब्लम है ये समझते थे, यहाँ के लोगों ने क्या त्याग किया है सेक्रीफाइस किया है ये जानते थे। ये सब मालूम होते हुए भी वहाँ पे तुम कुछ नहीं आप कर सकते?
वहाँ पे तिरुपति बालाजी मंदिर के इधर आओ, नॉमिनल रुपीज में आप भूखंड देते, किसका भूखंड है? जमीन किसके है? वो आपकी तो नहीं है, यहाँ के लोगों के है, यहाँ के फार्मर्स के हैं। तो नेचुरली यहाँ के लोगों का सोचो, यहाँ के लोगों ने यहाँ पे कुछ बहुत कुछ यहाँ पे किया है, तो उनका नाम देना चाहिए, ऐसा हमारे डिमांड है। एक आखिरी सवाल सर, कहा जा रहा शांतिपूर्ण आंदोलन होगा, तो क्या इससे लगता है कि इसके ऊपर, इससे सरकार जागेगी, इसके ऊपर असर पड़ेगा? देखिए, जागे या न जागे, हम लोग उनको जगाने के लिए ट्राई कर रहे हैं। नहीं जागे तो वापस आंदोलन करेंगे, ये आंदोलन पीछे हटने वाला है नहीं। सर्वपक्षीय कृति समिति जो है वो बहुत अच्छी तरह से काम कर रहे हैं, और उनके हम लोग वर्कर हैं, यहाँ पे काम करने वाले ग्रास रूट लेवल पे हम कार्यकर्ता है, हम काम करेंगे। ये आंदोलन चलेगा, अच्छी तरह से चलेगा, जब तक डीबी पाटिल साहब का नाम नहीं देंगे, एक आंदोलन चलते रहेगा। और एक बात मैं ये इस आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि देखिए, हम लोगों को आजमाओ मत, यहाँ के लोगों ने बहुत कुछ सहा है, अभी सहने की ताकत नहीं है। अच्छी तरह से अच्छा सब माहौल है तो नाम दे दो, माहौल बिगाड़ने की कोशिश आप मत करो। हम लोग गोली खाने के लिए, मरने के लिए तैयार हैं, इसीलिए नाम दीपा पाटिल साहब का देना ही पड़ेगा, कैसा नहीं देंगे हम लोग देख लेंगे। बहुत बहुत थैंक यू। जैसा कि आपने देखा कि इस बार अभी ये तय कर लिया गया है, संकल्प कर लिया गया है कि एयरपोर्ट पर दीपा पाटिल साहब का नाम दिलाने के लिए प्रकल्पग्रस्त कोई भी कदम उठाएंगे, अगर सरकार दमनशाही नीति अपनाएगी तो उसके लिए, उस दमन को सहने के लिए और अपनी कुर्बानी देने के लिए भी तैयार रहे। देखना होगा 24 तारीख का आंदोलन किस तरह का होगा और सरकार पे इसका कितना असर होगा। कैमरामैन रविचंद के साथ मैं सुधीर शर्मा, TV1 इंडिया, नई मुंबई। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए TV1 इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।